हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर द इन्फेंट्स क्वेश्चंस, यूनिट 12, इंग्लिश बुक, ग्रेड 12, गुजरात बोर्ड से। एक्टिविटी 1, डू यू रिकलेक्ट द क्वेश्चंस यू हैव आस्क्ड व्हेन यू बिगिन टू अंडरस्टैंड थिंग्स अराउंड यू। आपको क्या वो सवाल याद है आपके, जब आपने थोड़ी सी समझ आनी शुरू हुई थी, आप अपने आसपास की चीजों को समझने लग गए थे, उस समय आप जो क्वेश्चंस पूछते थे, क्या आपको वो क्वेश्चंस याद है? When you were 5, you probably asked your parents, why I'm not in your wedding album? जब आपकी उम्र लगभग 5 साल की होगी और हो सकता है आपने अपने माँ बाप से ये क्वेश्चन किया हो कि मैं ये जो हमारी आप लोगों की वेडिंग एल्बम है, इसमें मैं क्यों नहीं हूँ। रिकलेक्ट सम ऑफ द क्वेश्चंस यू आस्क्ड। इसी तरह से अगर आपको याद हो तो कुछ क्वेश्चंस को ध्यान करो, आस्क योर पार्टनर टू आंसर देम, और सोचो आपका पार्टनर जो है, अगर आप उसे ये सवाल करोगे तो वो क्या जवाब देगा। डू यू नाउ फील दैट दे वर फनी, व्हाई? आप सोचो, ये भी है, इस बात को आप महसूस भी कर सकते हो कि क्या ये क्वेश्चंस जो आप उस टाइम पे पूछते थे वो बहुत ज्यादा फनी नहीं होते थे, पर ऐसा क्यों? इंट्रोडक्शन। ली कैरल इज एन अमेरिकन ऑथर एंड अ वैल्यूड सेल्फ हेल्प स्पिरिचुअल स्पीकर। ही हैज ऑथर्ड मेनी बुक्स एंड कंपाइल्ड अ फ्यू। ली कैरल जो है एक अमेरिकन ऑथर है जो कि स्वावलंबी आध्यात्मिक एक स्पीकर के तौर पे है, यानी कि उनकी बहुत बड़ी वैल्यू है। उन्होंने कई सारी बुक्स लिखी है, उसमें उन्होंने कुछ जो है वो कंपाइल भी करी है। द इन्फेंट्स क्वेश्चन इज अ पैराबल अबाउट अ मैजिकल कन्वर्सेशन बिटवीन अ मदर एंड हर इन्फेंट सन। रीड ऑन। अब ये जो हमारा चैप्टर है द इन्फेंट्स क्वेश्चन, ये एक तरह का दृष्टांत है कि किस तरह से एक कन्वर्सेशन जो होता है, जो काफी जादू भरा कन्वर्सेशन होता है, एक मदर के बीच में और एक उनके छोटे से बच्चे के बीच में। चलिए अब अपने इस चैप्टर को पढ़ते हैं। द ह्यूमन मदर वॉज स्टार्टल्ड इंडीड व्हेन द लार्ज मेल एंजल अपीयर्ड इन हर लॉन्ड्री रूम। अब जो ह्यूमन मदर थी, यानी जो मदर है, वो एकदम से चौंक गई जब अचानक से कहीं एक मेल एंजल जो है, यानी मेल फेरी जो है, वो उनके लॉन्ड्री रूम में आकर खड़ी हो गई। What are you doing here? यहाँ क्या कर रहे हो? You expected me in the kitchen? Asked the angel. तो angel ने पूछा, तुम मुझे क्या expect कर रहे थे किचन में? No, I didn't expect you at all, the mother answered. Why are you here? तो mother ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं expect किया था, तुम यहाँ क्यों आए हो? To grant your request, said the angel, as if it were a common thing to appear in the human's home. तो angel ने कहा, मैं तुम्हारी जो request थी, उसको पूरा करने आया हूँ। और जिस तरह से उसने कहा, ऐसा लग रहा था मानो जैसे ये बड़ी आम बात है जो ह्यूमंस हैं उनके घरों में। I don't remember any request, exclaimed the mother. अब मदर जो है एकदम से चौंक के बोली, मैंने तो ऐसी कोई मेरे को रिक्वेस्ट नहीं याद है। I hope I asked for something good and that you didn't just overhear me swearing. मैंने जो है, हो सकता है कुछ अच्छे की मांग की हो या कुछ अच्छे के बारे में कहा हो सकता है तुम्हारी सुनने में मेरे से गलती हो गई हो। I see things all the time when I'm mad. जब मेरे को मेरा मूड खराब होता है, जब मैं मूड में नहीं होती हूँ, तो मैं बहुत सारी चीजें बोलती रहती हूँ हर वक्त। No, no, replied the angel. Remember when you were looking into the eyes of your son and murmured, if only we could talk to each other. नहीं नहीं, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब तुम अपने छोटे से बच्चों की आंख में देख रही थी और तब तुमने जो है बुदबुदाते हुए कहा था कि क्या मैं और तुम एक दूसरे से बात कर पाएंगे। Well, I am here to arrange that. तो मैं आज यहाँ पर इसीलिए आया हूँ कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जो बातें हैं उसको अरेंज कर सकूँ। Tomorrow night, when you go into your son's nursery, I will be there to allow you to speak to him and he to you. कल रात को जब तुम जो हो अपने सन की नर्सरी में जाओगी, तब मैं जो हूँ वहाँ पर होऊंगा और तुमको अलाउ करूँगा कि तुम उससे और वो तुमसे बात कर सके। You will have a brief time where he can speak to you with the intellect of an adult and the language of an adult. तुम्हारे पास वो वक्त बहुत थोड़ा सा होगा जहाँ पर तुम्हारा बच्चा जो है एक बड़े आदमी के जो दिमाग होता है उसकी तरह बात करेगा और उसकी जो आवाज होगी, जो उसकी भाषा होगी, वो भी एक बड़े इंसानों जैसी होगी। I'll tell you more when I see you then. मैं तब तुम्हें और भी कुछ बताऊंगा जब मैं वहाँ तुमसे मिलूंगा। And with that the angel disappeared. और ऐसा कहने के बाद एंजल जो वो गायब हो गया। Slightly to the left of the dryer and up a vent. जहाँ उनका ड्रायर रखा था उसके थोड़े से लेफ्ट में, वहां से वो गायब हो गया और वेंट से, जैसे कहना चाहिए, ऊपर निकल गया।
द मदर वॉज नॉट फ्राइटेंड, मदर को जरा सा भी डर नहीं लगा. आफ्टर ऑल शी बिलीव्ड इन एंजल्स एंड हैड बीन टू द लोकल एंजल शॉप मेनी टाइम्स. अब उनको इसलिए डर नहीं लगा क्योंकि उनको एंजल्स में यानी परियों में विश्वास था और वो कई बार वहां पर जो लोकल एंजल शॉप थी उसमें भी गई थी. She had no way of knowing that real angels don't like angel shops. उनके जो है इस बारे में दिमाग में भी नहीं था कि जो असली में फेरीज हैं, उन्हें इस तरह की एंजल शॉप्स बिल्कुल नहीं पसंद है. All the popularity had taken the fun of appearing before people. जितनी भी फेम है वो बिल्कुल ऐसी जैसे मजाक बन के रह जाती है कि लोगों के सामने जो उनकी अपीयरेंस है वो मजाक बन जाती है. Some mothers even wanted to know where the angel got its costumes. Very insulting to the real live angel. कई बार मदर्स ये भी सोचती हैं कि एंजल्स को जो है इनके ड्रेसेस मिलते कहाँ से हैं, और एक तरह से देखा जाए तो जो असली एंजल्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी इंसल्ट की बात है. द मदर डिडंट स्लीप मच दैट नाइट एंड व्हेन शी पुट हर 6 month ओल्ड इन्फेंट टू बेड अर्ली इन द इवनिंग शी लुक डीप इनटू हिज आईज एंड सेड. अब उस रात जो है जो उनकी मदर थी बच्चे की उसको नींद नहीं आई और जब उन्होंने अपने उस 6 महीने के छोटे से बच्चे को बेड में जल्दी लिटा दिया तो उन्होंने जो उसकी गहरी वाली जो गहराई वाली आंखें होती हैं उसमें देखा और कहा टुमारो यू एंड आई विल एक्चुअली गेट टू स्पीक टू ईच अदर. कल मैं और तुम एक्चुअल में आपस में एक दूसरे से बात करेंगे. शी वॉज एक्साइटेड इंडीड ही ड्रूल्ड इन रिस्पॉन्स. अब वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि मतलब कल मैं जो हूँ अपने बच्चे से बात करूंगी. और जो बच्चा था उसने जैसे होता ना मुंह से उसके इतना खूबसूरत सलाइवा निकल गया जैसे कि वो भी तुम्हारे जो मदर की बात है उसको समझ रहा है. She carefully crafted what she would say to him. अब मदर ने जो है सब कुछ सोच लिया ध्यान से कि उसे कल क्या पूछना है, क्या बातें करेंगी. Where does one begin? कहां से शुरुआत करनी है. How long would she have? कितने लंबे समय तक वो बात कर पाएगी. Would she able to communicate the difficult things of life? क्या वो उससे जो जिंदगी की मुश्किल भरी चीजें होती हैं उनके बारे में भी बात कर पाएगी. She started by thinking of all the things she wanted to tell a child just starting out in life. वो जो है उन सब चीजों के बारे में सोचने लग गई जो वो अपने बच्चे को बताना चाहती थी जो इस जिंदगी में अभी शुरू कर रहा था अपनी जिंदगी को. How about a stove is hot and a pretty fire can hurt? अब उनको ये भी आया था माइंड में क्या क्या बताऊं मैं, जैसे स्टोव होता है वो काफी गर्म होता है और जरा सी आग जो है वो जो है चोट पहुंचा सकती है. But wait, रुको, the angel said the child would speak with an adult's mind. पर तभी उनके दिमाग में आया कि एंजल ने तो कहा था कि वो बच्चा जो है बिल्कुल एक बड़े इंसान के जैसा दिमाग होता है उसकी तरह बात करेगा. That would change everything. उससे सब कुछ बदल जाएगा. She would need to tell him how to handle girls and how to treat a broken heart. And how not to trust everyone. And how not to drive too fast. अब क्योंकि वो बच्चा एक बड़े इंसान के तौर पे बात करेगा तो उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि अच्छा उसको तो फिर ये बताना पड़ेगा कि लड़कियों से कैसे बात करनी चाहिए, कैसे उन्हें ट्रीट करना चाहिए, अगर आपका दिल टूट जाए तो आपको कैसे अपने आप को संभालना चाहिए, कैसे किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए या गाड़ी बहुत तेज नहीं चलानी चाहिए. Oh my, this is so much to tell him about being human, she thought. अब वो सोचने लग गई ये भगवान कितना सारा उसको बताना पड़ेगा कि मतलब एक ह्यूमन होने के नाते उसे कितनी सारी चीजें हैं जिसके बारे में जानना पड़ेगा. द नेक्स्ट इवनिंग द टाइम फॉर द मैजिक डिस्कशन स्लोली अप्रोच्ड. अब अगली शाम की बात है जो वो जो हम मैजिक डिस्कशन की बात कर रहे थे अब उसका समय आ गया था. शी वेटेड विद हर इन्फेंट सन एट हर साइड इन द नर्सरी अंटिल द अपॉइंटेड आवर व्हेन द एंजल अपीयर्ड अगेन. अब वो जो है अपने वो छोटे से बच्चे के साथ साइड में नर्सरी के वेट करती रही थी उस समय का जब एंजल जो है वहां पर आ गया. नाइस टू सी द टू ऑफ यू द एंजल क्विकली सेड. अब एंजल ने कहा आप दोनों को देखकर बहुत खुशी हुई. हियर आर द रूल्स ऑफ द कन्वर्सेशन. अब जो हमारी बातचीत होगी आपस की इसके जो है कुछ नियम है. मॉम यू कैन ओनली आंसर. मॉम आप जो है सिर्फ जवाब देंगी. सन यू कैन ओनली आस्क 3 क्वेश्चन. आपका जो बेटा है वो सिर्फ 3 क्वेश्चन करेगा आपसे. Then it's over, और फिर खत्म हो जाएगा. And with that, the angel again disappeared. और ये कहने के बाद एंजल जो है वो गायब हो गया. This changes everything, thought the mother in silence while looking at her son. अब फिर एकदम से जैसे सब चीजें बदल गई. अब मदर जो है चुपचाप सोच रही थी और अपने लड़के की तरफ देख रही थी. Perhaps I am hallucinating. I'll bet my son simply goes to sleep now. Instant, the infant stood up. जैसे जो मदर थी उनका दिल जो है वो दो जोर जोर से धड़क रहा था. वो सोच रही थी उन्होंने कहा शर्त लगा लो मेरा बच्चा जो है अब सो जाएगा.
और अचानक से क्या हुआ, वो जो है एकदम से खड़ा हो गया। मदर सेड द इन्फेंट, इट्स अ मैजिकल डे इंडीड दैट ब्रिंग्स अस टुगेदर लाइक दिस, व्हाट जॉय टू बी एबल टू स्पीक टू यू एट दिस पॉइंट इन माय लाइफ। अब वो बच्चे ने मदर से कहा, आज ये कैसा जादू भरा दिन है जहाँ हम दोनों जो है इस तरह से आसपास हैं। कितनी खुशी की बात है कि मैं अपने लाइफ के इस मोड पर आपसे बात कर पा रहा हूँ। द मदर स्टूड अप एट अटेंशन विद हर माउथ ड्रॉपिंग इन अमेजमेंट, शी इवन रूल्ड अवे। अब मदर जो है वो एकदम से जैसे अटेंशन में आ गई और उनका जैसे कहते हैं ना चौंक के मुंह खुला का खुला रह गया, इवन उनके मुंह से भी जो है थोड़ा सा सलाइवा निकलने लगा। ओनली थ्री क्वेश्चंस कैन आई आस्क, द बॉय कंटिन्यूड फ्रॉम द क्रिब। अब बच्चे ने जो है अपनी जिस क्रिब में था वहीं से उसने बोला कि मैं आपसे सिर्फ तीन क्वेश्चंस कर सकता हूँ। आई वॉन्ट टू नो सो मच, पर मैं बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। द बॉय वॉज थिंकिंग अबाउट हिज फर्स्ट क्वेश्चन एज हिज मदर वॉज टेकिंग इट ऑल इन। अब लड़का जो है अपने पहले क्वेश्चन के बारे में सोच रहा था कि मदर जो है उनसे क्या पूछना चाहिए। दिस इज रियल शी थॉट। अब मदर सोचने लगी तो बिल्कुल सच में हो रहा है, माय सन इज टॉकिंग टू मी एज इफ ही वर ऑल ग्रोन अप, मेरा लड़का मेरे से इस तरह से बात कर रहा है जैसे मानो वो कितना बड़ा हो गया हो। व्हाट अ मिरेकल, क्या जादू है, चमत्कार है। व्हाट अ गिफ्ट, कितना अच्छा तोहफा है ये। शी कुड हार्डली कंटेन हरसेल्फ वेटिंग फॉर हर सन्स फर्स्ट क्वेश्चन। अब उनसे जो है इतनी तसल्ली नहीं हो पा रही थी कि वो अपने जो लड़का है उसके पहले क्वेश्चन का भी इंतजार कर पाए। वुड इट बी अबाउट फिलोसफी और रिलीजन, अब वो मेरे से क्या करेगा, साहित्य के बारे में पूछेगा या धर्म के बारे में पूछेगा। परहैप्स ही वुड वांट टू नो द बेस्ट एडवाइस टू गाइड हिम इनटू अ गुड करियर, और मे बी ही वांटेड टू नो हाउ ही शुड चूज द बेस्ट मेट, वन हु वुड स्टिक अराउंड लॉन्ग देन हर स्टेड। अब वो ये सोचने लग गई कि वो मेरे से क्या क्या जानना चाहेगा, हो सकता है वो मेरे से सबसे सही एडवाइस लेना चाहे कि उसके लिए सबसे अच्छा कैरियर क्या होगा, उसके बारे में उसको गाइड करना हो, या वो ये जानना हो चाहता हो कि मेरे लिए जब लड़की मैं आपके लिए सेलेक्ट करूं तो सबसे बेस्ट लाइफ पार्टनर कौन सा होगा जो उसके साथ जिंदगी भर रहे। द बॉय लुक्ड इनटू द मदर आईज एंड आस्क्ड द फर्स्ट क्वेश्चन। अब वो जो लड़का था उसने अपनी मदर की आंखों में देखा और अपना पहला क्वेश्चन किया।